मॉर्निंग। आज हम अपने देश के सीमावर्ती देश के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मीन्स आज हम जो है अपने देश के से जुड़े जो पड़ोसी देश हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारे जो नेबरिंग कंट्री है, जो हमारे पड़ोसी देश है, अगर उसको काउंट करें तो लगभग 9 देश है जैसे पड़ोसी देश। ये इंग्लिश में उसे बोलते हैं हम लोग नेबरिंग कंट्री। तो कौन कौन सा है आप काउंट कीजिए, ध्यान से देखिए और साथ साथ जो है नोट्स बनाते चलिए। देखिए पाकिस्तान पहला क्या हो गया, पाकिस्तान। दूसरा हो गया अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो है लद्दाख से जो है लगभग 106 किलोमीटर जो है सीमा साझा करता है इंडिया के साथ जो है। ठीक है, 106 किलोमीटर। तीसरा ये हो गया आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक चाइना। चौथा नेपाल भूटान, नेपाल भूटान। सिक्स बांग्लादेश। सेवन म्यांमार। नेपाल भूटान म्यांमार बांग्लादेश, ये रहा बांग्लादेश। ठीक है, सेवन हो गया। एट और नाइन, एट हो गया आपका श्रीलंका, श्रीलंका और ये हो गया मालदीव। मालदीव लगभग हमारे देश के 9 पड़ोसी देश हैं। ठीक है, स्थल से जुड़े देश, स्थल से जुड़े देश कितने हैं? लगभग 7 हैं, 7 कंट्री हैं जो कि जो है स्थल से जुड़े हुए हैं। कौन कौन सा देखिए, पहला हो गया पाकिस्तान, पाकिस्तान। दूसरा होता है अफगानिस्तान, दूसरा हो गया अफगानिस्तान जो स्थल से जुड़ा हुआ है। तीसरा हो गया चाइना, चाइना जो पर लद्दाख से होते हुए हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड सिक्किम अरुणाचल प्रदेश से सटा हुआ है। चौथा बांग्लादेश म्यांमार, चौथा हो गया बांग्लादेश। पांचवा म्यांमार। सिक्स नेपाल और 7 हो गया भूटान, नेपाल और 7 हो गया भूटान। मतलब 7 देश ऐसे हैं जो हमारे देश के साथ स्थल से जुड़े हुए हैं। ठीक है, जल से कितने हैं, जल से जुड़े देश? दो हैं जो जल से जुड़े हुए हैं। पहला है श्रीलंका जो जल के से जुड़े हुए हैं, श्रीलंका। और दूसरा है आपका ये मालदीव, दूसरा है मालदीव। ठीक है, अब सवाल ये आता है कितने देश हैं जो स्थल के साथ साथ जल से जुड़े हुए हैं। स्थल प्लस जल दोनों से जुड़े हुए देश जो है वो 3 देश हैं। जल से जुड़े देश जो है 2 हैं और स्थल से जुड़े देश है वो 7 हैं। ठीक है, इसे याद रखना है। स्थल प्लस जल से जुड़े देश 3 हैं। पहला हो गया आपका पाकिस्तान। पाकिस्तान को देखिए ये क्या है, स्थल से भी जुड़ा हुआ है और जल से जुड़ा हुआ है। ये क्या हमारा, ये है अरब सागर, अरब सागर से जुड़ा हुआ है। यानी हो गया पहला पाकिस्तान, दूसरा हो गया बांग्लादेश, बांग्लादेश स्थल से भी जुड़ा हुआ है और साथ साथ बंगाल की खाड़ी से भी जुड़ा हुआ है बांग्लादेश। और तीसरा जो देश है वो है म्यांमार, ये स्थल से भी जुड़ा हुआ है और बंगाल की खाड़ी यानी जल से भी जुड़ा हुआ है म्यांमार। आप समझ गए होंगे, 7 देश ऐसे हैं जो डायरेक्टली जो है स्थल से जुड़े हुए देश हैं, 2 देश जो है स्थल, ये 3 देश जो है स्थल के साथ साथ जल से भी जुड़े हुए हैं और 2 देश ऐसे हैं जो सिर्फ जल से जुड़े हुए हैं, पहला श्रीलंका और दूसरा हो गया मालदीव। ठीक,
अब देखते हैं कि जो हमारे देश का जो सीमा है ऐसे एक मान लेते हैं, एक ये पॉइंट हो गया ए, क्योंकि ए पॉइंट से नीचे जो जाएंगे तो ये जो है जल से जुड़ा हुआ सीमा है। ए से अगर ये बाउंड्री को देखें, इस सीमा को ए से, ये जो आपका गुजरात से होते हुए राजस्थान, फिर ये हो गया पंजाब, फिर ये हो गया जम्मू कश्मीर, फिर ये हो गया लद्दाख, लद्दाख के बाद ये सीमा हो गया आपका ये हिमाचल प्रदेश, फिर हो गया ये सीमा उत्तराखंड से, जो है ये हो गया आपका ये सीमा हो गया यूपी का, ये सीमा हो गया बिहार का, ठीक है, ये हो गया सिक्किम, सिक्किम के बाद ये जो है ये हो गया वेस्ट बंगाल, ये यहाँ से लेकर पूरा तक क्या ये पश्चिम बंगाल है, ठीक है, और इसके बाद ये रहा अरुणाचल प्रदेश, ये हो गया नागालैंड, मणिपुर, और ये रहा मिजोरम, त्रिपुरा से होते हुए ये जो बाउंड्री है लगभग यहाँ तक बी तक, ये क्या है अस्थलीय सीमा है। तो लगभग ए बी यानी अगर हम काउंट करें कितना ये किलोमीटर है, कितना ये डिस्टेंस है, ए बी अस्थलीय सीमा अगर देखा जाए तो ये होता है 15,200 किलोमीटर। कितना है 15,200 किलोमीटर। लेकिन वही ए बी अगर काउंट करें हम लोग कहाँ से, जलीय सीमा, तो इसका डिस्टेंस जो है जलीय, यानी अब यहाँ से काउंट करें ये गुजरात हो गया, यहाँ से महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर ये आपका कर्नाटका, फिर केरल, और यहाँ से इधर हो गया तमिलनाडु, फिर हो गया ये आपका ये आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, यानी जलीय सीमा अगर देखा जाए तो इसका लंबाई सिर्फ है 6100 किलोमीटर। एग्जाम में आता है कि भारत का स्थलीय सीमा जो है उसकी लंबाई कितनी है, तो उसकी लंबाई है 15,200 किलोमीटर, यानी ये ए से बी, कौन सा ए से बी, तो स्थलीय सीमा। अगर ये सवाल पूछ दे कि आप ए से बी बताइए कि जो भारत का जलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो है 6100 किलोमीटर। लेकिन पूछे संपूर्ण जो है टोटल बाउंड्री है ना, ये टोटल यानी संपूर्ण जलीय सीमा इंक्लूडिंग आइलैंड, मतलब ये तो है ही साथ से साथ, यहाँ पर क्या हमारा यहाँ पर जो है आइलैंड है, अंडमान निकोबार है, इधर लक्षद्वीप है, इसका भी बाउंड्री अगर काउंट कर लिया जाए, अगर पूछे कि पूर्ण संपूर्ण सीमा कितना है, उसकी लंबाई कितनी है, तो वो होता है 7516 लगभग इतना किलोमीटर। यानी आप यहाँ से तीन चीज़ देखें, पहला का स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200, सिर्फ भारत का जो भूखंड है उसके जलीय सीमा का लंबाई 6100, और संपूर्ण लंबाई इंक्लूडिंग आइलैंड में क्या आ गया आपका अंडमान निकोबार, यूनियन टेरिटरीज है हमारे देश का, अब इधर जो लक्षद्वीप है, वो सारे संपूर्ण जलीय सीमा प्लस इंक्लूडिंग आइलैंड में कौन सा है आपका अंडमान निकोबार प्लस लक्षद्वीप, तो उसका जो लंबाई है वो सारा मिला के कितना होता है 7516 किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखना है कि जो देश जो है कितने कितने जो है राज्यों से सटे हुए हैं, अगर पहला काउंट करें, ठीक है, उससे पहले ये जान लीजिए कि वो कौन सा देश है जो हमारे देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, मीन्स जिसका बाउंड्री भारत से बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस है। आप देखिए ये यहाँ से यहाँ तक पाकिस्तान, यहाँ से यहाँ तक हो गया ये जो जुड़ा हुआ है स्थल से जो जुड़ा हुआ है ये अफगानिस्तान, ठीक है, फिर ये हो गया चाइना, ये रहा म्यांमार, लेकिन बांग्लादेश की जो बाउंड्री है जो है वो सबसे ज़्यादा जो है भारत के साथ सीमा साझा करता है, लगभग यहाँ तक बांग्लादेश है, यानी इसको बीसी काउंट कर दें, तो इसका लगभग जो बीसी है बांग्लादेश का जो बाउंड्री है बीसी है ना, जो हमारे देश के साथ सीमा जो सटा हुआ है उसकी जो लंबाई है वो है 4000, उसका जो सीमा है लगभग 4096 किलोमीटर, यानी आप बोल सकते हैं क्वेश्चन अगर आता है भारत में सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा से जुड़ा हुआ देश,
भारत का सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा से जुड़ा हुआ देश कौन सा है, तो वो है बांग्लादेश। ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा से जुड़ा देश वो है बांग्लादेश। और जो सीमा है, जो कितना बाउंड्री जो है इंडिया के साथ जो है टच में है, तो वो है लगभग 4096 किलोमीटर। और सबसे कम स्थलीय से जुड़ा हुआ देश कौन सा है, सबसे कम स्थलीय सीमा से जुड़ा देश वो कौन सा है, तो वो है अफगानिस्तान। अगर अफगानिस्तान को देखें तो लद्दाख में जो है सीमा बनाता है लगभग जो है ये जो है 106 किलोमीटर जो है लगभग 106 किलोमीटर, यानी हम लिख सकते हैं 106 किलोमीटर ही जो है वो ये जो है अफगानिस्तान जो है भारत के साथ बाउंड्री साझा करता है। अब हम लोग देखते हैं कौन सा देश जो है कितने राज्यों से जुड़ा हुआ है। आप जो है बिल्कुल मैप को देखिए, ऐसे आप तो मैप दिख ही रहा है, आप साथ साथ जो है एटलस का मैप भी यूज कीजिए साथ में। अगर देखा जाए पहला अगर हम लेते हैं पाकिस्तान, तो कितने राज्यों से जुड़ा हुआ है, तो पाकिस्तान जो है पहला है, ये देखिए गुजरात, ये है गुजरात, यानी गुजरात। दूसरा ये हो गया आपका राजस्थान, राजस्थान। तीसरा ये हो गया आपका पंजाब। चौथा ये आपका हो गया जम्मू एंड कश्मीर, ये राज्य नहीं है, ये यूनियन टेरिटरीज है, यूटी। एंड फिफ्थ लद्दाख। यानी पाकिस्तान जो है तीन राज्य और दो यूनियन टेरिटरीज के साथ जो है हमारे देश से जुड़ा हुआ है। ठीक है, दूसरा है अफगानिस्तान जो है सिर्फ लद्दाख से जुड़ा हुआ है, लद्दाख। तीसरा चाइना, तो आप खुद ही लिखते चलिए, चाइना जो है किससे जुड़ा हुआ है, यहाँ से लेके पूरा ये बाउंड्री पूरा यहाँ से इधर पूरा जो है इधर क्या है पूरा चाइना है। तो चाइना किससे किसके साथ जुड़ा हुआ है, देखिए लद्दाख, फर्स्ट पॉइंट इज लद्दाख। जो चाइना किसके साथ जुड़ा हुआ है, कौन कौन राज्य कौन कौन सा जो है यूनियन टेरिटरी से, वो क्या है पहला है लद्दाख, दूसरा आता है ये हिमाचल प्रदेश, इसके साथ जुड़ा हुआ है, फिर ये है उत्तराखंड। ठीक है, यानी यहाँ से हो गया लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये तीन। फिर यहाँ से तो नेपाल है देश आ जाता है, ये हो गया सिक्किम, ये है सिक्किम, यानी सिक्किम। उसके बाद ये है आपका अरुणाचल प्रदेश, यहाँ से पूरा जो है ये क्या है अरुणाचल प्रदेश। यानी चाइना जो है 1, 2, 3, 4, 5, यानी 1, 2, 3, 4 चार राज्य और एक यूनियन टेरिटरीज के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, चौथा नेपाल किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो आप देखिए नेपाल पहला उत्तराखंड, दूसरा यूपी, तीसरा बिहार, चौथा ये देखिए वेस्ट बंगाल, ये है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की जो बाउंड्री है यहाँ से पतला होते हुए यहाँ तक, यानी ये पूरा यहाँ तक पूरा वेस्ट बंगाल है, यानी ये पूरा क्या है वेस्ट बंगाल का बाउंड्री है। यानी नेपाल जो है एक उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, पांच राज्यों से ये जुड़ा हुआ है नेपाल जो है। ठीक है, भूटान देखा जाए कितने राज्यों से जुड़ा हुआ है, तो भूटान जो है पहला राज्य है सिक्किम, दूसरा है वेस्ट बंगाल, ये देखिए वेस्ट बंगाल, तीसरा अरुणाचल प्रदेश, देखिए अरुणाचल प्रदेश के बाउंड्री से भी क्या है ये टच करता है, फिर ये क्या है ये आपका असम, ये रहा असम। ठीक है, यानी लगभग चार राज्य से भूटान जुड़ा हुआ है, 1, 2, 3, 4। ठीक है, म्यांमार या बांग्लादेश के बारे में बात करें तो कितने राज्यों से जुड़ा हुआ है, तो पहला देखिए वेस्ट बंगाल,
यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पर ये बाउंड्री किसके साथ है, वेस्ट बंगाल के साथ है, पाला वेस्ट बंगाल, थोड़ा सा यहाँ पर जो है असम का पार्ट आ जाता है, यानी दूसरा है असम, तीसरा ये है मेघालय, मेघालय यहाँ से यहाँ तक मेघालय, मेघालय यहाँ तो आपका जो असम ख़त्म हो जाता है, फिर ये हो गया त्रिपुरा, ये है आपका त्रिपुरा, और फिर ये है आपका मिजोरम, ये है आपका मिजोरम, कितना राज्य हो गया, एक दो तीन चार पाँच, लगभग पांच राज्य से जो है बांग्लादेश जुड़ा हुआ है, पहला वेस्ट बंगाल, दूसरा असम, तीसरा मेघालय, चौथा त्रिपुरा और पांचवा मिजोरम, लिखते चलिए साथ में। म्यांमार, म्यांमार कितने राज्य से जुड़ा हुआ है, लगभग चार, कैसे, पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नागालैंड, ये है आपका नागालैंड, नागालैंड ये है आपका मणिपुर, ये है मिजोरम, एक दो तीन चार, म्यांमार चार राज्यों से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये आपका हो गया।